का पिछली बार आपने भाषण सुना था जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता का ज्ञान दिया था, बारूद के ढेर पे बैठा के जब 564 केस थे भारत में, रोड पे पैदल चलने में, ट्रेन एक्सीडेंट में, कैजुअल्टी में 1,000 से ज्यादा लोग मर गए, कोरोना व्यवस्था को लेकर जो घोटाला हुआ, पीपी क्यूट घोटाला, ये तो किसी से छिपा नहीं है। मंत्री का पिछली बार आपने भाषण सुना था जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता का ज्ञान दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 45 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने न केवल अपनी उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष पर हमले का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और कमियों को 70 सालों के शासन के मथे मढ़ दिया। हालांकि मोदी के लिए किए गए वादों को वह खुद ही जुमला करार दे चुके हैं, लेकिन एक बात कम से कम दावे के साथ कही जा सकती है कि मोदी जी ने अपना एक वादा जरूर पूरा किया है और वह है गांव-गांव में शमशान के निर्माण का। शायद ही कोई गांव बचा हो इस समय इसकी जरूरत ना हो, और राजधानी दिल्ली में तो लाशों की कतार लग गई है और शमशान में उनके लिए कोई जगह मतलब जगह कम पड़ गई है। और जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह ने वहाँ जो एलईडी को लेकर और उन वहाँ पर लगवा कर जो अपने चुनावी रैली को संबोधित किया, इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा पत्रकार तोहिद आलम जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। जी नमस्कार सदाम जी। सबसे पहला मेरा सवाल कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जिस तरह से वो एलईडी लगाकर अपने जो है चुनावी भाषण को संबोधित किया, लेकिन वो तस्वीर आज पूरे देश ने देखा जो एक एलईडी वहां पर लगा हुआ है और उनके जो लोग वहां पर इस संबोधन को देख रहे हैं उनके तन पर कपड़ा नहीं है, क्या भाषण से ही राशन मिलेगा? देखिए, बीजेपी सरकार की नीति क्या रही है वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। ये तो अब जो कार्यकर्ता है खुद वो चीजें समझ चुके हैं, खुद अब बीजेपी नेता भी खुल के कई सारे अब वो मुखर होने लगे हैं। कई सारे गुजरात में और सारे राज्यों में जो कोरोना व्यवस्था को लेकर जो घोटाला हुआ, पीपी क्यूट घोटाला, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और रही बात बिहार की, तो बिहार की जो रैली थी, हमारा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि एलईडी लगाए। हमारा सबसे बड़ा जो ये होना चाहिए कि सवाल सरकार से कि क्या ये उपयुक्त समय था बिहार में ऐसा करने के लिए, जब बिहार में स्थिति इतनी भयंकर हो गई है, वहाँ पे अभी 6,000 से ज़्यादा केसेस है कोरोना के, और ऐसे समय में सरकार को मतलब ये असंवेदनहीनता है एक तरह से कि जहाँ लोग मर रहे हैं। अभी आपको सदाम जी पता होगा कि जो गुजरात से और महाराष्ट्र से जितने प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं, वो कैसे घर पहुँचे ये उनका हाल ये पूरे देश ने देखा, पूरे देश क्या पूरी दुनिया ने देखा है। तो सरकार उस समय ये व्यवस्था नहीं कर पाई कि उन्हें घर पहुंचाया जाए। और देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेवार नहीं कर सकता, इसमें जो केंद्र के जो डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार, वो भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा कि जब महाराष्ट्र से ट्रेन से मजदूरों को भेजने के लिए जब तैयारी की गई थी, जब वहाँ की सरकार ने ट्रेनें चलवाने के लिए कहा था, उस समय नीतीश कुमार ने खुद रेल मंत्री से पीयूष गोयल से बात करके ट्रेन चलवाने से मना किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से असंवेदनहीनता है। उत्तर प्रदेश में जब बच्चे को कोटा से लाया जा रहा था, छात्रों को कोटा से लाया जा रहा था, जो इस मुद्दे पे एकदम मुखर थे कि नहीं नहीं बुलाना चाहिए। हालांकि बाद में वही नीतीश कुमार है जो कि कई सारी स्पेशल ट्रेनें चली, बिहार में लोगों को बुलाया गया। तो आप देख सकते काफी जब फजीहत हुई, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब फजीहत होने लगी, तो फिर उन्हें बुलाया गया, प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से बस से भेज के बुलाया गया। तो ये मतलब सरकार की एक अतरस ऐसी असंवेदनहीनता है जिसका कि मतलब किसी तरह से अब कोई भी मतलब एक इंसान उसको अब सही नहीं कह सकता। विपक्ष का आरोप है कि 144 करोड़ रुपए खर्च करके एलईडी लगवाना, अगर वही पैसा को अगर उन मजदूरों के ऊपर खर्च किया जाता, उन गरीब मजदूरों मजबूर के लिए राशन पहुंचाया जाता तो काफी अहम माना जाता। देखिए, मैं इस पे बताना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का पिछली बार आपने भाषण सुना था जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता का ज्ञान दिया था, और इस चीज को टीवी मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर हर तरह इसको मतलब एक तरफ से लोकल का वोकल बनने के लिए कहा था, आत्मनिर्भर बनने के लिए सबको कहेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये तो आप भी जानते होंगे कि अपना काम खुद से करना है। तो इसमें मतलब अगर मोदी की अगर ये अभियान की बात करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो मेरे ख्याल से तो नहीं लगता बीजेपी ने कोई कुछ गलत करे, क्योंकि सरकार अपना काम करे, सरकार का काम चुनाव लड़ना है,
पब्लिक मर रही है, जी रही है, उनसे कोई फायदा नहीं है। और देखिए बीजेपी का नारा था गरीबी हटाओ, बीजेपी का नारा था कि हम कोई गरीब नहीं रहने देंगे, तो आप देख रहे हैं कि रोड पे पैदल चलने में, ट्रेन एक्सीडेंट में, कैजुअल्टी में 1,000 से ज्यादा लोग मर गए। तो ये तो अब मुद्दा रहा ही नहीं ना, अब तो इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो जब बात नहीं करेंगे, जब लोगों की समस्या सरकार तक, सत्ता तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर इस पे समाधान कहाँ होगा। और एक सदाम जी, मैं इसका एक रीजन बताना चाहूंगा आपको, मतलब मैं एक परफेक्ट चीज बताना चाहूंगा कि इसका रीजन क्यों है कि आजकल जो भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, इतनी असंवेदन क्यों हो गई है। इसका आपको एक बड़ा रीजन मैं बताऊंगा, इसका बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई लिखता है, सरकार के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है। वो क्या होता है कि हमारे अंदर जो भड़ास होती है वो सोशल मीडिया पे निकल के रह जाती है, फुस हो जाती है। तो आप देखे होंगे पिछले कुछ समय में कोई भी सड़क पे ऐसी प्रदर्शन या रैली सरकार के खिलाफ नहीं हुई होगी, या अगर कोई कुछ होता भी है तो उसे इस तरह से करके, उसको सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उसको दबा दिया जाता है। और सोशल मीडिया पे गुस्सा करके हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी गलती है, तो जनता की गलती है। इससे क्या समझा जाए कि एक तरफ जो गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और गरीब मजदूर मजबूर को कोरोना से लड़ने के लिए छोड़ दिया है, क्या समझा जाए इसको? इसको तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। सरकार का काम चुनाव लड़ना है, हाँ सरकार चुनाव लड़ रही है, आप गरीबी से लड़िए, भुखमरी से लड़िए, कोरोना से लड़िए, ये तो आपका काम हुआ। सरकार तो हाथ खड़ी कर चुकी है, राम भरोसे छोड़ चुकी है, बारूद के ढेर पे बैठा के जब 564 केस थे भारत में, उस समय पहली बार लॉकडाउन किया गया था, आप देख लीजिए कि आज 2.5 लाख से ज्यादा मामले हैं। इस समय में इस तरह के सिचुएशन किए जा रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, सभी ट्रेनें चल रही है, आवाजाही पूरी तरह से चालू है। तो एक तरह से जो भी लोग जा रहे हैं वो तो कोरोना कुरियर का काम कर रहे हैं, तो सरकार तो एक तरह से छोड़ चुकी है। दिल्ली में जो व्यवस्था है वो आपसे छिपी नहीं है, दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोनों हाथ खड़ा कर चुके हैं। 14,000 करोड़ का बजट है दिल्ली में स्वास्थ्य का। दिल्ली जो होता है देश का दिल है, राजधानी है, जहाँ पे देश विदेश सभी की नज़रें होती है। आप वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की नज़र देख सकते हैं, कैसे लोग इलाज के लिए तड़प के जान दे रहे हैं, अस्पताल नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे उन्हें भर्ती में। आलम यह है कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स में जगह नहीं है, बेड नहीं है मरीजों के भर्ती के लिए। तो इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अच्छा, तो मैं तो कहूंगा कि इसका भी इसको लेकर क्यों क्यों मौजूदा सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में, चाहे मैं दिल्ली की जिक्र करूं या फिर बिहार का जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, तो क्यों राज्य सरकारें भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है? आत्मनिर्भर भारत अगर बनाया जाता है तो कैसे, ऐसे में कैसे देश बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो शुरू से हमारी लापरवाही रही, गलती रही सरकार की, अदूरदर्शिता जिसे कि पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो 2016 में नोटबंदी हो या फिर GST हो या फिर देशबंदी हो, आप देख सकते हैं कि उसके परिणाम क्या हुए। बिना तैयारी, बिना बिना किसी तैयारी के जल्दीबाजी में एक ही घोषणा में कर दिया गया, उसका आपने देखा ही सड़क पे क्या परिणाम हुए। और आज लॉकडाउन जो किया गया था व्यवस्थाएं करने के लिए, व्यवस्था तो सबसे छिपी नहीं है कि क्या आलम है। आज बिहार की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में सभी राज्यों में अभी तक सैंपलिंग की, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, कल आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें चुनाव के लिए। और जो आपने एक अमित शाह के बारे में बात कही थी कि उन्होंने रैली में जो ये मुद्दा उठाया था कि कार्यकर्ता, उन्होंने विपक्ष को भी घेरा और अपने वो बताया, तो उसी नक्शे कदम पे इस समय नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। कल के रैली में नीतीश कुमार ने, कल वर्चुअल रैली करी, उसमें नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को 90-90-10 का वो दिया, आंकड़ा दिया। उसमें उनके कहने का उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि आप लोग सितंबर में बिहार में चुनावी बिगुल फूकने वाला है और नवंबर में महीने इस साल के अंत तक चुनाव होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि हमें अब समय नहीं मिलेगा, जो भी हमें काम करना है अगस्त तक काम करना है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसके लॉकडाउन में ढील देने की एक वजह यही है। ये भी हो सकती है कि लोग, कार्यकर्ता बीजेपी जो भी कार्यकर्ता है, लोगों तक अपनी पहुंच बनाए और लोगों से वो करें, तो उसमें उन्होंने 90 और 10 का वो दिया कि कार्यकर्ता जो है लोगों से मिले और उन्हें उन्हें 90% अपनी उपलब्धियों के बारे में बताए और 10% विपक्ष की खामियों के बारे में बताए। तो चुनाव प्रचार तो शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ युवा पत्रकार तौहीद आलम थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी के अंदाज में दिए, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एलईडी को लेकर जो सियासत हो रही है बिहार में, और विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जायज है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।